तो म्यूचुअल इंडक्शन हमने क्या किया था, म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास दो कॉइल्स हैं, आपने इसको ऑन किया, करंट इंक्रीज हुआ, एकदम करंट इंक्रीज नहीं होगा, करंट एकदम धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। जब करंट इंक्रीज हुआ तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसने इसके फ्लक्स को भी इंक्रीज कर दिया। तो जब इसका फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ तो इसके अंदर इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गई। तो करंट आपने इसमें चेंज किया लेकिन ईएमएफ इसमें पैदा हो गई, फ्लक्स पड़ोस की कॉइल का चेंज हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। करंट एक में चेंज करना, फ्लक्स दूसरे का चेंज होना, इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरे की पैदा होना, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके अंदर हम क्या टर्म डिस्कस करते हैं, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, फ्लक्स सेकेंडरी कॉयल, ये सेकेंडरी कॉयल है जिसमें हमने करंट नहीं सेंड किया था, तो फ्लक्स सेकेंडरी कॉयल का किस पे डिपेंड करता है, करंट इन प्राइमरी कॉयल पे डिपेंड करता है। तो करंट प्राइमरी में और फ्लक्स सेकेंडरी में। तो जो फ्लक्स है वो, जो इसका फ्लक्स है सेकेंडरी का, वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्राइमरी के करंट पे। तो याद रखना, फ्लक्स उसका जिसमें करंट नहीं है, और किस पे डिपेंड है, उस कॉइल के करंट पे जिसमें हमने सेंड किया करंट। तो इस जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कुछ भी सेंड नहीं किया था, उसका फ्लक्स प्राइमरी के करंट पे डिपेंडेंट है और एम पे डिपेंडेंट है। एम को बोलते हैं कोफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन। और सेकेंडरी कॉइल जिसमें करंट नहीं हमने सेंड किया था, उसकी जो ईएमएफ है वो क्या आएगी, माइनस एम डी आई बाई डी टी। इम्पॉर्टेंट ये जो ईएमएफ है ये सेकेंडरी कॉइल की है जिसमें हमने करंट नहीं सेंड किया, और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जिसमें हमने करंट को चेंज किया। तो करंट हमने प्राइमरी में चेंज किया, ईएमएफ सेकेंडरी में जनरेट हो रही है जिसमें कुछ नहीं था, एम के यूनिट्स भी हेनरी होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे टू सोलेनोइड्स की। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आते हैं पेपर में।